UPSC optional botany paper 1, and we are continuing with the first unit, that is the microbiology and plant pathology. And we choose one topic, that is the virus. हमने start किया था, तो viruses में हमने पहले gist किया viruses का, कि viruses कहाँ कहाँ infect कर सकते हैं, animal में, plant में, as well as the bacteria में. Hello students, how's you? I hope you all are well, and we are continuing our series, that is the UPSC optional botany paper 1, and we are continuing with the first unit, that is the microbiology and plant pathology. And we choose one topic, that is the virus. हमने start किया था, तो viruses में हमने पहले gist किया viruses का, कि viruses कहाँ कहाँ इन्फेक्ट कर सकते हैं, एनिमल में, प्लांट में, एज वेल एज दी बैक्टीरिया में. और हमने फिर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बैक्टीरियोफेजेस के बारे में, उसके टाइप्स पढ़े थे. आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे प्लांट वायरसेस के बारे में, और प्लांट वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और एज वेल एज दी कि प्लांट वायरसेस के फीचर्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और कैसे जो है प्लांट वायरसेस स्प्रेड करता है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. तो जो वायरसेस है वो ऑलरेडी यू नो दिस थिंग, जो वायरसेस हैं वो कैसे हैं, दे आर दी न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. न्यूक्लियो प्रोटीन मीन्स दे हैव दी न्यूक्लिक एसिड एज वेल एज दी प्रोटीन. न्यूक्लिक एसिड कुड बी अ डीएनए और आरएनए. नाउ वायरसेस आर वेरी स्मॉल, यू कैन नॉट ऑब्जर्व द वायरस विद दी नेक्ड आइज. इफ यू वॉन्ट टू ऑब्जर्व द वायरसेस यू नीड अ लाइट मॉडिफाइड लाइट माइक्रोस्कोप. एज वेल एज दी कि जो वायरसेस हैं अगर वो आउटसाइड द होस्ट हैं, सो दे आर इनर्ट, दे विल नॉट कॉज एनी इन्फेक्शन. इफ दे प्रेजेंट इनसाइड द होस्ट मींस कि वो अगर प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है और वो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पैरासिटिक. कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो हाइपर पैरासिटिज्म का मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, मींस पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट, वो भी हम आज उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. और जो वायरसेस हैं दे ऑल्सो बिहेव लाइक दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कैसे बिहेव करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड दे विल कॉज दी डिजीज एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू. एज वेल एज दे हैव जेनेटिक फंक्शन, उनके पास जो होगा अपना जेनेटिक फंक्शन होगा, मीन्स उनके पास डीएनए और आरएनए होंगे, एंड दे विल एबल टू रिप्रोड्यूस, मीन्स वो ग्रोथ कैसे शो करेंगे, वी हैव डिस्कस्ड इन दी लास्ट क्लासेस, दैट इज दी लाइटिक एंड दी लाइसोजेनिक फेजेस. दे हैव ऑल्सो बिहेव एज अ केमिकल मॉलिक्यूल, वो केमिकल मॉलिक्यूल की तरह भी बिहेव करेंगे. नाउ आई टोल्ड यू दिस थिंग दैट वायरसेस कंसिस्ट ऑफ दी न्यूक्लिक एसिड एंड दी प्रोटीन, मीन्स आइदर डीएनए होगा या आरएनए होगा. कभी भी सेम टाइम पे जो है हम उनके पास डीएनए और आरएनए नहीं होगा, आइदर डीएनए होगा या आरएनए होगा. एंड विद दी प्रोटीन फॉर्मिंग प्रोटेक्टिव कोट अराउंड दी न्यूक्लिक एसिड, जो प्रोटीन कोट है, जो सिंगल सिंगल मोनोमर यूनिट है, उसको हम क्या कहेंगे, कैप्सोमर कहेंगे. और बहुत सारी मोनोमर यूनिट साथ में क्या बनाएंगी, दैट इज दी कैप्सिड बनाएंगी. वेरी कॉमन एग्जाम्पल दैट इज मेंशन इन दी ऑल दी बुक्स, इन 12th 11th की बुक्स में भी देखोगे तो आप सब यू कैन ऑब्जर्व दी टीएमबी स्ट्रक्चर, टोबैको मोजेक वायरसेस, दैट इज दी हेलिकल इन शेप. और दे हैव दी डिफरेंट शेप सच एज दी रॉड शेप, पॉलीहेड्रल शेप, ये इनकी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है. एज वेल एज दी पॉलीहेड्रल का इकोसा हेड्रल दैट हैव दी 20 फेजेस. एंड इन 2023 UPSC पेपर वन दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, दैट इज द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉलीहेड्रल एज वेल एज द इकोसाहेड्रल शेप ऑफ द वायरसेस. एंड देयर इज ऑलवेज ओनली आरएनए और ओनली डीएनए इन ईच वायरसेस, आइदर डीएनए होगा या आरएनए होगा. आई रिपीटेड दिस थिंग मेनी टाइम्स. एंड जो उनके पास क्या होगा, एंड इन मोस्ट ऑफ द वायरसेस दे हैव ओनली वन काइंड ऑफ द प्रोटीन. कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं उनके पास मोर देन टू प्रोटीन भी प्रेजेंट हो सकते हैं. एंड वायरसेस नून डू नॉट डिवाइड, वायरसेस जो कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे आइदर, जैसे कि और जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं दे विल प्रोड्यूस फाइव और डिवाइड करेंगे या रिप्रोड्यूस करेंगे थ्रू द विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, बट वायरसेस डू नॉट
have any kind of spores as other organisms have, as we have seen the lower organism. As you can see, shape that is in the bacteriophages. This is the polyhedral, this is the helical shape, that is the shape of the tobacco mosaic viruses. This is the invert. यहाँ पे ये क्या है? Bilipid layer. इसके ऊपर क्या present है ये? That is the protein spikes. That is the glycosylated. Glycosylated. कैसे होंगे protein? Glycosylated. Means sugar is attached with the protein. As this is the structure of the TMB. अब जो हमारा TMB है ये क्या है सिंग? ये सिंगल सिंगल यूनिट है, क्या है? कैप्सोमियर. जब बहुत सारी यूनिट्स मिलकर क्या बनाएंगी? हमारा कैप्सिड बनाएंगी. नाउ दिस TMB, जो हमारा TMB है वो कैसा होगा? दिस इज होलो. जो अंदर से कैसा होगा? होलो होगा. और एट दिस पोजिशन दिस न्यूक्लिक एसिड जो होगा, इसका जो DNA या RNA पार्टिकल होगा, वो क्या अपने आपको स्पाइरली अरेंज करेगा यहाँ पे. और जो इसकी पूरी डिस्टेंस होगी दैट इज दी 9 नैनोमीटर, और यहाँ से दैट इज दी 4 नैनोमीटर. नेक्स्ट वी हैव दी इंस्टेड दे मल्टीप्लाई बाय इंड्यूसिंग होस्ट टू फॉर्म दी मोर वायरसेस एज वेल एज वायरस कॉज डिजीज ओनली नॉट कंज्यूमिंग दी सेल्स. ये क्या करेंगे? ये सेल्स को कंज्यूम करने की बजाय उनके जो हैं क्या करेंगे? सेलुलर मैकेनिज्म को यूज़ करके वो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. वो कभी भी होस्ट को कंज्यूम नहीं करेंगे, होस्ट को नहीं खा जाएंगे. इंस्टेड उनके अंदर क्या करेंगे? वो अपना जो उनका जीनोम है या प्रोटीन्स है उनको मल्टीप्लाई करेंगे. देन दे विल किल दी सेल, और सेल को क्या करेंगे? रप्चर कर देंगे. एज वी रेड इन दी लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल, एज these in turn upset the cellular mechanism and lead to development of the abnormal substances and condition injuries to the function. जैसे ही ये cellular metabolism को क्या कर देंगे? सेल की वो upset कर देंगे. उसकी वजह से क्या होगा? ये जो सेल है वो क्या हो जाएगा? इंजरस हो जाएगा और फंक्शन करना बंद कर देगा. उसकी वजह से ये अपना लाइफ साइकिल क्या करेंगे? ग्रो करेंगे. अभी तक जो है हमारे पास वायरसेस हैं 2000 से ज़्यादा भी क्या हैं अभी आइडेंटिफाई हुए हैं, और हर महीने जो है नया वायरसेस जो है वो आइडेंटिफाई होता रहता है. एज वेल एज दी अबाउट 1/4 ऑफ ऑल नाउन वायरसेस अटैक एंड काउज डिजीज इन दी प्लांट्स, कि 1/4 जो अभी प्लांट वायरसेस हैं वो अटैक करते हैं किस पे? प्लांट्स पे. एज वेल एज दी वन वायरस में इन्फेक्ट वन और डजन ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ, कि एक सिंगल वायरसेस डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट को क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है. अ प्लांट मे ऑल्सो बी इन्फेक्टेड बाई मोर देन वन काइंड ऑफ वायरसेस, कि जो एक सिंगल प्लांट है वो भी मोर देन वन टाइप ऑफ द वायरसेस से क्या हो सकता है? इन्फेक्ट हो सकता है. नाउ करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट वायरसेस. अब हम करेक्टरिस्टिक देखेंगे कि जो प्लांट वायरसेस है उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक है. जो प्लांट वायरसेस हैं आर डिफरेंट फ्रॉम दी ऑल प्लांट पैथोजन. जो प्लांट पैथोजन्स हैं उनसे क्या है? थोड़े बहुत वो अलग हैं. कैसे अलग है? नॉट ओनली साइज, ना साइज एज वेल एज दी शेप, दे ऑल्सो हैव दी सिंप्लिसिटी. जो प्लांट वायरसेस होते हैं वो थोड़े सिंपल होते हैं, एज वेल एज ऑफ देयर केमिकल कंस्टिट्यूशन, एज वेल एज दी फिजिकल स्ट्रक्चर में भी क्या होंगे? सिंपल होंगे. और मेथड ऑफ इन्फेक्शन में भी क्या होगा उनका? सिंपल होगा. मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसलोकेशन विद इन दी होस्ट एंड डिसिमिनेशन एंड द सिम्टम दे प्रोड्यूस टू ऑन दी होस्ट. नेक्स्ट है कि बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, जो प्लांट वायरसेस होंगे बहुत ही स्मॉल होंगे, और वो कैसे होंगे? ट्रांसपेरेंट होंगे. सो वायरसेस जनरली कैन नॉट बी व्यूड एंड डिटेक्टेड विद दी मेथड यूजिंग फॉर अदर पैथोजन. जो हम अदर पैथोजन को ऑब्जर्व करने के लिए मेथड यूज़ करते हैं इन प्लांट्स में, वो उससे हम क्या है? प्लांट वायरसेस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. सेल इंक्लूजन कंसिस्टिंग ऑफ द प्लांट वायरसेस हाउ एवर आर विजिबल बाई द लाइट माइक्रोस्कोप. जो सेल इंक्लूजन्स हैं जो कंसिस्ट कर रहे हैं प्लांट वायरसेस को, उसको हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ द लाइट मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप को, स्कोप से. यस, व्हेन अ प्लांट डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरसेस, इंडिविजुअल वायरस पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विद द लाइट माइक्रोस्कोप. कि मोस्टली वैसे हम क्या करते हैं, जो
अभी तो हमारे यहाँ जो ये एडवांसमेंट आ चुकी है, तो पहले हम यहाँ क्या यूज़ करते थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते थे, बट अब हम थोड़ा एडवांसमेंट आ चुकी है तो हम लाइट मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप को यूज़ करेंगे। अगर वायरस ने इन्फेक्ट किया है होस्ट को, जो उसके अंदर क्या मटेरियल है, जब वो प्लांट में प्रेजेंट है तब हम उसके अंदर नहीं देख सकेंगे कि क्या प्रोटीन क्या प्रेजेंट, कौन सा प्रोटीन कौन से उसके अंदर जो है डीएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, तब उसके हम लाइट माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप इज़ रिक्वायर्ड। डिटेक्शन, सो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, बाय ऑब्जर्विंग द इंक्लूजन्स बॉडी इन द अफेक्टेड सेल्स, कि कुछ इंक्लूजन्स बॉडी में कुछ एग्रीगेट्स होंगे अगर वो सेल्स में प्रेजेंट है, सो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। यंग लीफ सेल्स ऑफ वायरसेस इन्फेक्टेड प्लांट्स कंटेन इंक्लूजन्स बॉडी ऑफ फेयरली डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस कंसिस्ट ऑफ वायरस एग्रीगेट। वायरस क्या कर लेगा, लिटिल बिट एग्रीगेशन होगी वायरसेस की इन दी यंग लीफ में, उससे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि दैट प्लांट इज इन्फेक्टेड विद दी और वायरसेस, एंड वी कैन ऑब्जर्व विद दी लाइट माइक्रोस्कोप एंड कैन बी यूज टू डिटेक्ट दी आइडेंटिफाई दी जीनस ऑफ दी वायरस। अगर वायरस एग्रीगेट प्रेजेंट है इन प्लांट्स में तो उससे हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जीनस ऑफ दी वायरसेस भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव दी बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी हम प्लांट वायरसेस को ऑब्जर्व कर सकेंगे। कैसे ऑब्जर्व करेंगे, वी नीड दी क्रूड सैप, क्रूड सैप क्या है, दैट इज़ दी वाटर एंड मिनरल फ्रॉम दी प्लांट्स, और जो किसको इन्फेक्ट कर रहा है, दैट इज इन्फेक्टेड टू दी प्लांट एंड वी कैन ऑब्जर्व दी with the help of the electron microscope. The most definite proof of the presence of the virus in a plant is provided by purification. अगर हम exactly चाहते हैं कि उसमें plant viruses निकले ही निकले तो हम कैसे उसको ऑब्जर्व करेंगे, purification से, electron microscopy से and serology. Serology क्या होता है, जो viruses जो cells के component हैं उनको अलग करके cell culture में ऑब्जर्व करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है, दैट इज़ दी सिम्टोमेटिक एग्जामिनेशन। अब सिम्टम्स देख के भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मोस्ट अदर सिम्टम्स कॉज बाय वायरसेस रिजेंबल दोस कॉज बाय दी म्यूटेशंस, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज और टॉक्सिसिटीज। जो वायरसेस के सिम्टम्स हैं वो और जैसे म्यूटेशंस हो गई एज वेल एज दी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होगी, टॉक्सिसिटी होगी, ये इंसेक्ट ने डैमेज कर दिया उसके साथ क्या करेंगे, लिटिल बिट रिजेंबल्स करेंगे, और अदर पैथोजन जो डिजीज काउज करते हैं प्लांट्स में वो उससे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि दैट प्लांट इज इन्फेक्टेड विद दी वायरसेस। नेक्स्ट है, फ्यू प्लांट सिम्टम कैन बी एट्रीब्यूटेड टू वायरसेस विद अ गुड डिग्री ऑफ सर्टिनिटी सच एज ओक लीफ पैटर्न। अगर प्लांट में ओक लीफ पैटर्न है, यू कैन ऑब्जर्व इन दिस कि ओक लीफ पैटर्न में अगर आपको लीफ में पैटर्न ऑब्जर्व दिख रहा है, सो मीन्स इट कुड बी अफेक्टेड बाय दी वायरसेस, या येलोइंग ऑफ द लीफ हो रही है, दैट कुड बी ऑफ न्यूट्रिएंट मिनरल डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर वायरसेस से इन्फेक्ट हो सकता है, दैट इज दी और एज वेल एज दी नेक्रोसिस। नेक्रोसिस स्पॉट मीन्स प्री मेच्योरिंग डेथ ऑफ दी प्लांट, कि उसके ऊपर हो जाएंगे छोटे छोटे नेक्रोसिस, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स। बाय द वे, नेक्रोसिस इज दी प्री मेच्योर डेथ ऑफ दी प्लांट। नेक्स्ट है कि कौन कौन से प्लांट वायरसेस ग्रुप्स हैं, सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स, फर्स्ट वी हैव दी ओमो वायरस, सेकंड वी हैव दी नीपो वायरस, थर्ड वी हैव दी ब्रोमो वायरसेस, एज टोमो टोमस वायरस, कोलिमो वायरस, अल्फा मोजैक वायरस, ये तो हमने सुने ही, अल्फा अल्फा दैट इज इन दी लेंटिल्स, मोजैक दैट इज दी पैचेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दी मोजैक, दैट इज दी पैचेस, पी इनर्शन मोजैक वायरसेस, टोबैको नेक्रोसिस वायरस, टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरसेस, ये क्या है, प्लांट वायरसेस ग्रुप। एज आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में शायद इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, बट फिर भी फॉर अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके लिए ये चीज़ें काफ़ी सफिशियंट हैं। नेक्स्ट है, कुछ वायरसेस हैं जैसे सेटेलाइट वायरसेस एंड दी सेटेलाइट आरएनए। अब उसके बारे में हम डिफरेंस देखेंगे कि सेटेलाइट वायरसेस क्या है और सेटेलाइट आरएनए क्या है। जो सेटेलाइट आरएनए है, सेटेलाइट आरएनए क्या है, मतलब एक तरह से
न्यूक्लिक एसिड है और पैकेज इन द कोट प्रोटीन ऑफ द हेल्पर वायरसेस। अब यहाँ पे देख लेते हैं अलग से, पहले हम सेटेलाइट वायरसेस को पढ़ लेंगे फिर सेटेलाइट आरएनएस को पढ़ लेंगे। जो हमारे सेटेलाइट वायरसेस होते हैं इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन रेदर लार्ज स्टैंड ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, दे हैव द लार्ज स्टैंड ऑफ द न्यूक्लिक एसिड दैट विल बी द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड दैट इज इनक्लोज्ड बाय अ कैप्सिड एंड दैट कंटेन वन और मोर देन वन काइंड ऑफ द प्रोटीन्स एज इट इज मेंशन एंड विच कॉज मल्टीप्लाई एंड कॉज द इन्फेक्शन बाय देमसेल्व्स। नेक्स्ट वी हैव दी कि जो हमारे सेटेलाइट वायरसेस हैं, जो हमारे सेटेलाइट वायरसेस हैं दे विल बी ऑलवेज एसोसिएटेड विद दी टिपिकल वायरसेस दैट इज द हेल्पर वायरसेस। मीन्स सेटेलाइट वायरसेस कैसे एक्ट करेंगे, दैट इज दी मीन्स बी ए पैरासाइट ऑफ पैरासाइट। कि अगर आपके पास हेल्पर वायरसेस नहीं है, हेल्पर वायरसेस वायरस प्रेजेंट नहीं है, तो हमारे सेटेलाइट वायरसेस भी काम नहीं करेंगे प्लांट्स में। जो हेल्पर वायरसेस होंगे वो किसकी हेल्प करेंगे, डेफिशिएंट वायरसेस की हेल्प करेंगे। डेफिशिएंट वायरस की हेल्प करेंगे किसमें, टू मल्टीप्लाई करने में, टू इन्फेक्शन कॉज करने में, बिकॉज दे डिपेंड लेटर फॉर दी मल्टीप्लिकेशन एंड दी प्लांट इन्फेक्शन। सेटेलाइट वायरस ऑफन रिड्यूस दी एबिलिटी ऑफ दी हेल्पर वायरसेस टू मल्टीप्लाई। वो क्या कर देंगे, उसकी एबिलिटी को रिड्यूस कर देंगे ताकि जो सेटेलाइट वायरसेस हैं वो खुद क्या कर सके, मल्टीप्लाई कर सके। एंड दे विल एक्ट लाइक अ पैरासाइट ऑफ द एसोसिएटेड हेल्पर वायरसेस। जो हमारे सेटेलाइट वायरसेस हैं वो कैसे एक्ट करेंगे, पैरासाइट ऑन द अवर हेल्पर वायरसेस के ऊपर। अगर हमारे पास आता है सेटेलाइट आरएनए, जो सेटेलाइट आरएनए होंगे दे आर सेटेलाइट आरएनए आर स्मॉल लीनियर और सर्कुलर आरएनए होंगे एंड दे विल बी प्रेजेंट इनसाइड द विरियन। विरियन क्या है हमारे पास, आरएनए पार्टिकल। मींस अगर वायरस इज प्रेजेंट आउटसाइड द होस्ट वी विल कॉल इट एज अ विरियन और द वायरस पार्टिकल ऑफ सर्टेन मल्टीपल कंपोनेंट वायरसेस। नाउ सेटेलाइट वायरसेस आर नॉट रिलेटेड टू द करेक्टली, कि जो सेटेलाइट आरएनए है वो कम्प्लीटली रिजेंबल नहीं करते हैं सेटेलाइट वायरसेस से, दे रिजेंबल पार्शली। क्यों, क्योंकि सेटेलाइट आरएनए में इंक्रीज और डिक्रीज द सिवियरिटी ऑफ द वायरल इन्फेक्शन। अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्या इनके बीच में डिफरेंस है। जो सेटेलाइट आरएनए है दे आर स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स दैट रिक्वायर्स अ होस्ट। जो हमारा सेटेलाइट वायरस था उसके पास अपना खुद का प्रोटीन था, खुद का जेनेटिक मटेरियल था, बट जो हमारे सेटेलाइट आरएनए होंगे उसके लिए हमें होस्ट चाहिए रेप्लिकेशन करने के लिए। एंड दे मे रिड्यूस द टाइटर ऑफ द होस्ट वायरस। सेटेलाइट आरएनए रेंजेस फ्रॉम द 200 टू 700 एनटी एंड लार्जेस्ट सेटेलाइट आरएनए में इनकोड अ प्रोटीन। आपको बस इतना याद रखना है कि जो सेटेलाइट आरएनए होंगे, जो सेटेलाइट आरएनए होंगे दे रिक्वायर द होस्ट। मींस ये भी क्या है, एक तरफ से हमारे ये भी क्या करेंगे, इन्फेक्शन काउज करेंगे एंड दे आर डिटेक्टिव इन नेचर। हमारे सेटेलाइट वायरसेस एज वेल एज दी सेटेलाइट आरएनए बोथ आर दी डिटेक्टिव इन नेचर। और जो हमारे सेटेलाइट वायरसेस हैं डिफेक्टेड वायरसेस विच कैन मल्टीप्लाई ओनली बाय एसोसिएशन विद दी हेल्पर वायरसेस। यहाँ पे हेल्पर वायरसेस प्रेजेंट नहीं होंगे बट यहाँ पे हेल्पर वायरसेस विल बी प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पैथोजेनिसिटी ऑफ दी वायरसेस। सो वन वायरस में इन्फेक्ट वन और डजन्स ऑफ द प्लांट स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स एंड ईच स्पीशीज ऑफ द प्लांट इज यूजली अटैक्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ द वायरसेस। कि एक प्लांट जो है वो डिफरेंट वायरसेस से अटैक हो सकता है या एक वायरस डिफरेंट प्लांट स्पीशीज को अफेक्ट कर सकता है एंड एट अ सेम टाइम। सो और प्लांट वायरसेस डिफरेंट डायरेक्टली फ्रॉम द अदर प्लांट पैथोजन नॉट ओनली साइज एंड शेप बट ऑल्सो इन द सिंप्लिसिटी एंड द केमिकल कंपोजिशन। जो प्लांट वायरसेस हैं बहुत सिंपल होते हैं एज वेल एज मल्टीप्लीकेशन में भी, केमिकल कंस्टिट्यूशन में भी, एज वेल एज मेथड ऑफ इन्फेक्शन में भी, मल्टीप्लीकेशन में भी एंड ट्रांसलोकेशन में भी। ये हमने पहले भी ऑब्जर्व किया था। नाउ
वायरसेस बहुत सारी डिजीज कॉज करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ह्यूज लॉस इन दी क्रॉप प्रोडक्शन। अगर वायरसेस इन्फेक्ट करेंगे प्लांट्स को तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारे पास लॉस होगा क्रॉप प्रोडक्शन का। और इन्फेक्टेड प्लांट में शो रेंज ऑफ सिम्टम्स डिपेंडिंग अपॉन दी देयर इज अ ऑफन येलोइंग ऑफ दी लीफ, कि जो पूरा का पूरा लीफ है वो येलो हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो वायरस से इन्फेक्ट हो, मिनरल डेफिशिएंसी भी हो सकती है, एज वेल एज दी लीफ डिस्टॉर्शन मीन्स लीफ की कर्लिंग भी हो सकती है, और स्टनिंग ऑफ द होल प्लांट और एबनॉर्मेलिटीज इन दी फ्लावर और फ्रूट फॉर्मेशन, कि कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दी फ्रूट और फॉर्मेशन ऑफ दी फ्लावर। सो ये कुछ सिम्टम्स हैं ड्यूरिंग वायरस इन्फेक्शन। नाउ ट्रांसमिशन ऑफ दी प्लांट वायरसेस, कि जो प्लांट वायरसेस हैं वो कैसे ट्रांसमिट करेंगे डिजीज फ्रॉम वन प्लांट टू दी अदर प्लांट। द प्लांट वायरसेस रिले ऑन डैमेज इन दी सेल वॉल, अगर जब प्लांट में इन्फेक्शन होगा सो फर्स्टली दे विल डैमेज दी सेल वॉल टू एंटर इन टू दी साइटोप्लाज्म ऑफ दी प्लांट सेल, एंड दिस इज अचीव्ड बाय आइदर वेक्टर और सिंपली बाय मैकेनिकल मेथड। आइदर वो वेक्टर यूज करेंगे मीन्स होस्ट यूज, या यू कैन से वेक्टर क्या है व्हीकल कि जो वो डिजीज कॉज कराएगा, या फिर मैकेनिकल मेथड से भी वो डैमेज कर सकते हैं सेल्स को। मैकेनिकल मेथड में मोस्टली हम लैब्स में यूज करते हैं। सो कुछ ट्रांसमिशन देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, सीड्स, कि सीड्स अगर इन्फेक्टेड हैं, अगर हम उनको ग्रो कर देते हैं सो ऑल द प्लांट्स मीन्स कि अगर इन्फेक्टेड सीड्स हैं, अगर आप उनको सो कर दिया तो सारे प्लांट्स क्या होंगे, इन्फेक्ट होंगे विद दी वायरसेस। सो दीज वायरसेस आर प्रेजेंट इन दी नेक्स्ट जनरेशन राइट सिंस फ्रॉम द बिगनिंग एंड लीडिंग टू दी अर्ली आउटब्रेक ऑफ दी डिजीज। अगर सीड्स में ही वायरसेस प्रेजेंट था सो आपको जब क्रॉप है एट अर्ली स्टेज में भी आपको वायरसेस इन्फेक्शन क्लियरली ऑब्जर्व हो सकता है। अबाउट 100 वायरसेस आर नाउन टू बी ट्रांसमिटेड इन दिस वे, कि अबाउट 100 वायरसेस हैं अभी तक जो है वो ट्रांसमिट करते हैं डिजीज थ्रू अ सीड। नेक्स्ट है पोलन। अब पोलन जो है, पोलन में भी वायरसेस प्रेजेंट हो सकते हैं, एंड दीज वायरसेस ट्रांसमिटेड बाई दिस मेथड रिजल्ट इन अ लो लेवल ऑफ द फ्रूट सेट, कि अगर कोई प्लांट है सेम स्पीशीज का और पोलन भी है सेम स्पीशीज का, बट पोलन क्या है इन्फेक्टेड है, कैसा है इन्फेक्टेड है, अगर यहाँ पे क्या हो जाएगी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जो फ्रूट्स बनेंगे वो लो क्वालिटी के बनेंगे, कैसे बनेंगे लो क्वालिटी के और कम फ्रूट्स बनेंगे। एंड इन सम केसेस, कुछ केसेस में कैसा होता है, इट मे बी स्प्रेड फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड फ्लावर, जो कुछ केसेस में फर्टिलाइज्ड फ्लावर से भी क्या हो सकता है वायरस इन्फेक्शन हो सकता है इन टू अ रिमेनिंग प्लांट बॉडी ऑफ द मदर प्लांट। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, प्रूनस नेक्रोटिक रिंग स्पॉट वायरस। प्रूनस मीन्स आप जो प्लम खाते हो, क्या खाते हो प्लम, प्लम में नेक्रोटिक रिंग स्पॉट्स, यू कैन ऑब्जर्व दीज नेक्रोटिक रिंग स्पॉट्स इन द प्लम। ये कैसे होगा, पोलन से, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और ग्राफ्टिंग से भी क्या हो सकती है इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और ग्राफ्टिंग, इफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मटेरियल इज नॉट वायरस फ्री, कि जो आप ग्राफ्टिंग या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर रहे हो अगर वो ही वायरस फ्री नहीं है तो जो आपका न्यू प्लांट होगा वो भी कैसा होगा, इन्फेक्टेड विद दी वायरसेस। नाउ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी वायरसेस इन्फेक्ट कर सकते हैं, कैसे, इन केस ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशन। हमारा जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशन है दैट कॉज अ गाल डिजीज, मीन्स वो गाल डिजीज और यू कैन से ट्यूमर, इसके अंदर क्या होगा प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, जो हमारे ट्यूमीफेशन है उसके अंदर क्या होगा टीआई प्लाज्मिड होगा। टीआई प्लाज्मिड क्या है, जो डॉग डिजीज कॉज कर रहा है। हम टीआई प्लाज्मिड को यूज करते हैं एज एक्सपेरिमेंटल टू ट्रांसमिट दी वायरस जीनोम बिटवीन दी प्लांट्स के लिए। अगर हम टीआई प्लाज्मिड को ही हटा दें तो प्लांट विल बी दी रेजिस्टेंट फ्रॉम दी डिजीज। नेक्स्ट है हमारे पास
फंजाई वेक्टर्स, फंजाई से भी क्या वायरस इन्फेक्शन हो सकता है. सो फंजाई कैन इंसर्ट देयर हाइफे. हाइफे क्या है? फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स, लूज टिश्यूज. हाइफे से फिर क्या बनता है? माइसीलियम बनता है. जब फंजाई के हाइफे और वो इन्फेक्टेड हैं वायरसेस से, अगर वो पेनिट्रेट कर जाएंगे प्लांट सेल में, तो प्लांट कैसा होगा? इन्फेक्टेड विद दी वायरसेस. अभी तक अबाउट 15 प्लांट वायरसेस आर ट्रांसमिटेड विद दी हेल्प ऑफ फंगल जनेरा लाइक ऑल्फीडियम पॉलीमिक्सिया एंड स्पॉन्जोस्पोरा. ये मैंने एग्जाम्पल दिए हैं ऑल्फीडियम पॉलीमिक्सिया स्पॉन्जोस्पोरा. नेक्स्ट वी हैव दी निमोटोड वायरस. निमोटोड से भी क्या हो सकता है? वायरसेस इन्फेक्शन हो सकता है इन दी प्लांट्स में. मीन्स निमोटोड विल एक्ट एज अ वेक्टर. अबाउट 20 प्लांट वायरसेस आर ट्रांसमिटेड बाई दी निमोटोड्स, स्पेशली बाई दी निमोटोड जनेरा लाइक लॉन्गिड्रोस, पैरा लॉन्गिड्रोस एज वेल एज दी जिफिनिमा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरसेस ट्रांसमिटेड बाई निमोटोड्स आर दी ग्रेप फैन लीफ वायरसेस एंड टबैको रिंग स्पॉट वायरसेस. सो यू कैन सी दिस इज दी ग्रेप फैन लीफ वायरसेस एंड सेकेंड वी हैव दी टबैको रिंग स्पॉट वायरसेस. नेक्स्ट हमारे पास है इंसेक्ट वायरसेस. इंसेक्ट विल ऑल्सो एक्ट एज अ वैक्टर टू ट्रांसमिट दी वायरसेस इन अ प्लांट. कैसे? इट इज अ पर्टिकुलर एफिशियंट मीन्स ऑफ वायरस ट्रांसमिशन विच बाइट और सक प्लांट टिश्यू ट्रांसमिट वायरसेस टू न्यू होस्ट. अगर वो प्लांट से कुछ सक करेगा तो इट विल वो उस टाइम पे क्या हो रहा है? कॉन्टैक्ट हो रहा है. सो कॉन्टेक्शन के मतलब कॉन्टैक्ट के थ्रू क्या हो जाएगा? इट विल ट्रांसमिट दी वायरसेस टू अ प्लांट. This is known as a non-propagative transmission. Non-propagative transmission क्या है? Amplification of the virus by replication with the cell of the vector. We will call it as a non-propagative transmission. Example क्या है? Group 3 Gemini viruses are transmitted by the insect viruses. आपको याद रखना है simple कि जो group 3 के Gemini viruses है वो कैसे ट्रांसफर होते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंसेक्ट वेक्टर्स. फॉर एग्जांपल लीफ होपर्स एज वेल एज द वाइट फ्लाइज बाय दिस मेथड. नाउ दीज वायरसेस कॉज अ ग्रेट डील ऑफ क्रॉप डैमेज करेंगे, क्रॉप को डैमेज करेंगे इन अ प्लांट सच एज टमेटो बीन्स स्क्वैश कसावा एज वेल एज द इन कॉटन. अब है माइट से भी क्या सकता है? ट्रांसमिशन हो सकता है. बिलोंगिंग मोस्टली द फैमिली दैट इज द एरियोफाइसी हैव बीन shown to transmit at least 6 known viruses including the wheat streak mosaic viruses. ये जो आप example देख रहे हैं that is the example of the wheat streak mosaic viruses. Mosaic का क्या मतलब है? That is the wheat के ऊपर mosaic से patches पड़ जाना streak type के like this white and green like patches. Now mechanical transmission. Mechanical transmission को मैंने पहले भी बताया था कि हम कैसे use करें, कहाँ use करेंगे in labs में. सो मैकेनिकल ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस इज मोस्टली यूज मैथड फॉर द एक्सपेरिमेंटल इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट्स एंड इज यूजली अचीव बाई द रविंग वायरस कंटेनिंग प्रेपरेशन इन टू अ लीव्स. और दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल मैथड ऑफ ट्रांसमिशन. ये कैसा है? नेचुरल मैथड है किसका? ट्रांसमिशन का. वायरसेस पार्टिकल मे कंटेमिनेट सॉइल फॉर द लॉन्ग पीरियड. कि जो वायरस पार्टिकल हैं वो लॉन्ग पीरियड के लिए भी क्या कर सकते हैं? इन्फेक्शन कर सकते हैं इन दी सॉइल एंड में बी ट्रांसमिटेड टू अ न्यू होस्ट एज विंड ब्लाउन डस्ट एंड रेन स्प्लैश्ड मड. इज दी नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? दैट इज दी डॉटर ट्रांसमिशन. डॉटर से भी क्या हो सकती है? ट्रांसमिशन. डॉटर इज अ पैरासिटिक प्लांट. दैट इज दी पैरासिटिक प्लांट कास्कुटा इज अ मेजर सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन फॉर दी in the host angiosperm and this is known to transmit at least 16 different viruses. अब है कि हम प्लांट को कैसे बचाएंगे वायरसेस से. कंट्रोल ऑफ द प्लांट वायरसेस. सो वी कैन ग्रो दी रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज. मीन्स हम ट्रांसजेनिक रेजिस्टेंट वेराइटी को ग्रो करें. मीन्स अगर जिस प्लांट में इन्फेक्शन हो रहा है ड्यू टू वायरसेस उस जीन्स को हम मॉडिफाई कर दें तब भी हम क्या कर सकते हैं?
वायरस रेजिस्टेंट प्लांट ग्रो कर सकते हैं. मीन्स ऑल इन्वॉल्व रिलेटेड टू दी बायोटेक्नोलॉजी. एंड एग्जाम्पल भी है गिवन. हवाई टू कंट्रोल दी पपाया रिंग स्पॉट वायरस हैज बीन क्रेडिट विद दी सेविंग दी लोकल पपाया इंडस्ट्री. इन हवाई में ही उन्होंने क्या किया कि ट्रांसजेनिक क्रॉप को ग्रो किया. और वो कौन से डिजीज काउज कर रही थी? पपाया रिंग स्पॉट वायरसेस डिजीज काउज कर रही थी. दैट सेव द लोकल पपाया इंडस्ट्री. नेक्स्ट है कि अगर यूज ऑफ वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल, अगर हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर रहे हैं तो हम वही, या ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो हम वही प्लांट पार्ट लें दैट इज रेजिस्टेंट फ्रॉम दी वायरसेस, ताकि जो हमारी न्यू प्रोजेनी निकले वो भी कैसी हो, वायरसेस फ्री हो. नेक्स्ट लास्ट हमारे पास आता है एक्सक्लूजन्स. मींस कि हम प्लांट को ही क्वारंटाइन कर दें. अगर कोई एरिया में है, सॉइल में भी क्या सकता है, मैंने बताया कि जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रह सकता है. हम क्वारंटाइन कर दें प्लांट्स को फ्रॉम दी इन्फेक्टेड वन से, तब भी हम वायरस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट दी प्लांट वायरसेस. थैंक यू एंड हैव नाइस डे. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट दी एनिमल वायरसेस.